अनूपपुर जिले में इन दिनों महिला साध्वी बुधराम दास का क्रमिक अनशन सुर्खियों में है, जहां साध्वी ने अमरकंटक के कपिला संगम स्थित मां काली मंदिर गुफा से राम राजेश्वर आचार्य को बेदखल कर आश्रम में कब्जा दिलाने की मांग की है। वहीं साध्वी बुधराम दास पर अमरकंटक महिला साध्वी समाज द्वारा सवाल खड़ा करते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अमरकंटक महिला साध्वी समाज ने कहा कि पूरा मामला षड्यंत्र के तहत सामने लाया गया है। लोगों का कहना है कि आश्रम को हड़पने के लिए अनूपपुर मुख्यालय में साध्वी बुधराम दास उर्फ बुद्धिबाई को मोहरा बनाकर क्रमिक अनशन बर्फानी आश्रम के लक्ष्मण दास बालियोगी के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि सनातन धर्म पर घातक हमला है, जिसे लेकर अमरकंटक में जन आक्रोश फैला हुआ है। मां काली मंदिर गुफा आश्रम कपिला संगम में जगतगुरु वैष्णो शिरोमणि स्वामी राम राजेश्वर आचार्य को पारदर्शी तरीके से संत समाज के द्वारा चादर उड़ाकर दायित्व सौंपा गया था, जिस आश्रम पर बीते 20 सालों में बुधराम दास उर्फ बुद्धिबाई को कभी नहीं पाया गया और ना ही वह गुरुत्यागी रामलखन दास के साथ शिष्या रहती थी। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद महिला साध्वी समाज से मिले अनशन स्थल पहुंची, जहां सुरुचि भगवानिया सरस्वती व अन्य ने कहा कि गुरुत्यागी रामलखन दास के न रहने पर उनके अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में कहाँ थी। तो इतने में साध्वी बुधराम दास उर्फ बुद्धि बाई ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सभी के बीच में कहा कि जो संत समाज के मुंह से कभी भी नहीं निकलता। इसके बाद जब मीडिया ने बात करनी चाही तो उपस्थित समर्थक मीडिया से ही भिड़ने लगे। वो साध्वी गलत कर रही है जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ। अच्छा, अनशन में बैठी हुई है। अनशन पे क्यों बैठी है? कुछ हक मांग रही है वो, और नहीं मालूम वो कहाँ की रहने वाली है। फिजूल का बदनाम कर रही है कि मैं यहाँ की हूँ, लेकिन वो यहाँ की है ही नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है। वो ज़बरदस्ती वो बदनाम कर रही है, लाल चोला पहन के सभी साधु समाज को बदनाम कर रही है। और जगत गुरु शंकराचार्य इतने अच्छे हैं, उस व्यक्ति को उसने बदनाम कर रही है। वो साध्वी बैठी है हानसन में, पता नहीं क्यों बैठी है। हमारी मौली सरकार जगत गुरु को बदनाम कर रही है। 8 नंबर वार्ड की मैं पार्षद हूँ, उसी वार्ड में आश्रम है काली मंदिर गुफा हाँ, तो वहीं वहाँ आज तक किसी ने नहीं देखा जो बुद्धिबाई साध्वी है। पूरे वार्ड के लोग बता रहे हैं कि आज तक न देखा गया है इसको, न रही है यहाँ, फिर भी वहाँ के लिए ये बदनाम कर रही है जगत गुरु को। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखा, मैं सामने परमानंद आश्रम का मैं महंत हूँ, मैं 16 साल से वहाँ रहा, तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखा हूँ, कौन है बुद्धिबाई। वहाँ पे ये था कि वो फक्कड़ था, उसकी पत्नी के रूप में मतलब एक राधाबाई रहती थी। 16 साल से मैंने देखा है राधाबाई उसकी पत्नी के रूप में थी, दासी के रूप में, वैसी को मैं देखा। बाकी बुद्धि नाम के तो मैं शक्ल आज तक नहीं देखा। 16 साल से हो गया, परमानंद आश्रम मेरा गुरु स्थान इलाहाबाद है, मैं उसके किसी आरोप को जानते ही नहीं, उसकी शक्ल ही नहीं देखा हूँ, तो क्या बताऊँ को क्या आरोप लगाए। किसी आरोप लायक तो है ही नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आज वो अनूपपुर में बैठ के पूरे साधु समाज के ऊपर कलंकित कर रही है? सवाल है किसी को उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, एक बर्फानी आश्रम का वो कोई संत है, उसको बरगला रहा है और कुछ बात नहीं, और वो उसको मैं जानता भी नहीं उस भाई को। पेप्टेक ग्रुप के स्वर्ण जयंती उत्सव पर पाएं उपहारों की सौगात। श्री साई लोटस सिटी पन्ना रोड सतना में स्थित स्वतंत्र आवासीय कॉलोनी में खरीदें अपने परिवार के लिए सपनों का आशियाना। श्री साई लोटस सिटी में हर विला की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। 50x60 के विला पर पाएं 4 डाइकन कंपनी के एसी, सोनी ब्रेविया कंपनी की 50 इंच 2 टीवी और कैंट कंपनी का आरओ। 40x60 के विला पर पाएं 3 डाइकन कंपनी के एसी, 2 सोनी ब्रेविया 50 इंच टीवी और 1 कैंट आरओ। 35x60 के विला पर पाएं 3 डाइकन कंपनी के एसी, 1 सोनी ब्रेविया कंपनी की 50 इंच एलईडी टीवी और कैंट आरओ। 30x60 के विला पर पाएं डाइकन कंपनी के 2 एसी, सोनी ब्रेविया कंपनी की 50 इंच की 2 टीवी, 1 कैंट आरओ। 30x50 के विला पर पाएं डाइकन कंपनी के 2 एसी, सोनी ब्रेविया एलईडी 50 इंच 1 टीवी और कैंट आरओ। इसी के साथ 30x40 के विला पर पाएं डाइकन कंपनी का 1 एसी, सोनी ब्रेविया एलईडी कंपनी की 50 इंच की एलईडी और कैंट आरओ।
ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर 2019 तक है, तो जल्दी कीजिए। श्री साई लोटस सिटी NH 75 पन्ना रोड सतना। संपर्क करें 9425894370 9425894360।